नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते साल 2022 में क्या नजारा देखने को मिला था, सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई थी। दरअसल शिवसेना दो गुटों में बट गई, लंबे वक्त से चर्चा का विषय बने हुए हैं शिवसेना के प्रमुख रहे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनसे छीना जा चुका है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने उनके गुट के हवाले कर दिया है। असली शिवसैनिक होने का दावा किया गया शिंदे गुट की तरफ से, जब वह उद्धव ठाकरे संग बगावत किए थे। जी हां, आपको बता दें कि बीते पिछले साल जून के महीने में बगावत की गई एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों के द्वारा उद्धव ठाकरे संग, और उस वक्त उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने बार बार मनाने की कोशिश की इन तमाम विधायकों को। उनकी पत्नियों को फोन कॉल किया और साथ ही साथ उनसे यहां पर अनुरोध किया कि कैसे भी करके अपने पतियों को मनाएं और एक बार फिर से मातोश्री वापस लेकर आए, लेकिन रश्मि ठाकरे की कोशिशें रंग नहीं ला सकी। दूसरी ही तरफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए आदित्य ठाकरे। वहीं आदित्य ठाकरे के साथ साथ उनके छोटे भाई जो राजनीति में एक्टिव तक नहीं है, तेजस ठाकरे, वह भी अब मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पिता के साथ वह भी लगातार आक्रोश रैली में शामिल होते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर ठाकरे परिवार की मुश्किलें फिर भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ पर बीजेपी के साथ हैं। शिंदे गुट और बीजेपी के गठबंधन ने यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और मामला अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बहस देखने को मिल रही है, जिसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी देते हुए लगातार रिपोर्ट्स भी यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो आज हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने खटखटाया है और उद्धव ठाकरे यहां पर देखा जाए तो तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए लगातार अहम दावे कर रहे हैं। जानकारी दे दें कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई जारी है, लेकिन अब शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर आने वाली 14 मार्च के दिन अगली सुनवाई होगी। फिलहाल देखा जाए तो रंगों के त्यौहार होली पर यहाँ पर देखा जाए देश भर में यहाँ पर सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखा जाए उद्धव ठाकरे की होली इस बार फीकी नजर आने वाली है, क्योंकि उनसे काफी कुछ छीना जा चुका है। तो आज इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको जानकारी देना चाहेंगे बीती पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ था। जैसा कि हमने आपको बीती पिछली कई रिपोर्ट में बताया कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने क्या कुछ दलीलें रखी, और वहीं जस्टिस की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए और कपिल सिब्बल ने किस तरीके से जवाब दिया था। अब आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि अभिषेक मनु सिंघवी से यहाँ पर सवाल पूछा गया जस्टिस की तरफ से, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। और साथ ही साथ यहाँ पर शिंदे गुट के वकील NK कॉल ने भी अपनी बात रखी है, देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चैन से नहीं बैठने वाले हैं। महाराष्ट्र के हर एक क्षेत्र का वह दौरा करेंगे और चुनावी रणनीतियां अब वह बनाते हुए देखे जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का दावा है कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उनमें कैसे भी करके जीत हासिल करनी है, और 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे। उन विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां अलग अलग पैमाने पर बनाई जा रही हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उद्धव ठाकरे यहां पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग को वह चुनाव आयोग कहते हुए नजर आए हैं अपने भाषण के दौरान। वही दूसरी ही तरफ देखा जाए चुनाव आयोग के फैसले से वह काफी ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के हवाले कर दिया शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 14 मार्च के दिन होगी, लेकिन इस सुनवाई से पहले तमाम दलीलें भी सामने आ रही हैं। दरअसल इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से लंबी बहस लगातार छिड़ती हुई नजर आई। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी,
जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष ये मामला विचाराधीन रहा, जहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शुरुआत की ठाकरे ग्रुप की तरफ से पेश किए गए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से, उनसे तमाम सवाल पूछे थे और कपिल सिब्बल ने क्या कुछ जवाब दिया ये हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में जानकारी दी ही थी। लेकिन अब हमारे इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि कपिल सिब्बल के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने किस तरह से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से भी सवाल किया। उन्होंने यहां पर सवाल किया कि जो ठाकरे गुट की तरफ से जो वकील पेश हो रहे थे उनसे पूछा कि सरकार के गठन के बाद विश्वास मत के लिए उन्होंने राज्यपाल की शक्ति का क्या आह्वान किया, किन परिस्थितियों में यदि कोई हो तो क्या सरकार बनने के बाद राज्यपाल विश्वास मत की मांग कर सकते हैं। ठाकरे गुट के द्वारा यहाँ पर आलोक में रहा कि सरकार बनने से पहले राज्यपाल केवल विश्वास मत के लिए बुला सकते थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके सवाल का जवाब दिया, क्योंकि यहां पर जस्टिस का कहना रहा कि सरकार बन जाने के बाद राज्यपाल के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का कहना रहा, शून्य शक्ति जहां चल रही सरकार में अयोग्यता के मुद्दे पर लंबित है, क्योंकि आपको दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। एक सामान्य वैनिला सरकार है जिसमें अयोग्यता का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन एक अयोग्यता दो स्तरों पर लंबित है, पहले स्पीकर के पास और वहीं दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा लंबित और आपके समक्ष लंबित। आपके सीधे प्रश्न का मेरा स्पष्ट उत्तर शून्य है। वहीं दूसरी ही तरफ ठाकरे गुट की दलीलों का विरोध करते हुए शिंदे गुट की तरफ से जो वकील पेश किए गए सीनियर एडवोकेट एनके कॉल का कहना रहा था कि राज्यपाल के पास बहुमत के कारण विश्वास मत हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्होंने ठाकरे में विश्वास खो दिया। उन्होंने यहां पर तर्क दिया कि ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल को नेतृत्वहीन सरकार का नेतृत्व करने के लिए नए मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे को शपथ लेनी पड़ी थी। इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही। इतना ही नहीं, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फिर उनसे पूछा औचित्य के मामले में क्या राज्यपाल को श्री सिंधे को सरकार रिपीट। इतना ही नहीं, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बाद में उनसे पूछा कि औचित्य के मामले में क्या राज्यपाल को श्री शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, और इसका भी बेहतरीन तरीके से जवाब दिया गया शिंदे गुट के वकील की तरफ से। फिलहाल हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको तमाम जानकारियां दी। अगली रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार एनके कॉल ने क्या कुछ कहा। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से यहाँ पर अब सियासत और भी तेज हो चुकी है। फिलहाल देखा जाए 14 मार्च का इंतजार है, आखिरकार 14 तारीख के दिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में यहाँ पर क्या कुछ बहस अब हो सकती है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। दावा ये किया जा रहा है कि आगामी एक या दो हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर फैसला सुनाया जा सकता है। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।